जो रिस्ट्रिक्शंस हैं वो थी तो आप देखेंगे कि सिर्फ वन थर्ड के करीब ही वर्ल्ड लीडर्स जो हैं वो गए हैं Correct, आ, इस जनरल असम्बली के इजलास में और जो दो तहाई से ज्यादा लीडरशिप है उन्होंने वर्चुअल ख़ताब ही जो है वो किया है और इसलिए उन्होंने भी वर्चुअल ख़ताब किया इम्पैक्ट रहा उसका बहुत इस वक्त आज अगर आप उठा के देखें तो पहली बात तो ये है कि इमरान खान जो यूएन का अपना चैनल है उसके ऊपर सबसे ज्यादा स्पीच अगर कोई व्यू हुआ है तो हाँ। इमरान खान का व्यू हुआ है तो आप उससे ग्लोबल इम्पेक्ट का अंदाजा लगा सकती हैं दूसरा जो चार मौजुआत जिनके ऊपर वजे अजम की तकरीर का फोकस रहा यानी अफगानिस्तान उसके बाद कश्मीर उसके बाद इन्वामेंट और इसके बाद चौथा जो गरीब मुल्कों से पैसे लूट के अमीर मुल्कों में जाते हैं इन चारों जो मौजूद हैं ये क्रिटिकल हैं और इन चारों मौजुआत के ऊपर वजीरम साहब की जो तकरीर है उसको बहुत गौर से जो है वो सुना गया और उसके ऊपर तमाम जो आई वुड से कि एक किस वक्त जो वर्ल्ड ओपिनियन है वो इन्हीं चार मौजुआत के ऊपर खड़ी है